और चलिए अब आपको बता दें इस वक्त की एक अहम खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर जो मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी की पुलिस ने लुधियाना ब्लास्ट के सिलसिले में सिख फॉर जस्टिस के आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों का कहना है कि मुल्तानी दिल्ली और मुंबई को दहलाने की भी साजिश रच रहा था। 45 साल का जसविंदर सिंह मुल्तानी सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू का बेहद करीबी है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट इस केस में हुआ है क्योंकि लुधियाना ब्लास्ट हुए कई दिन बीत चुके हैं और लगातार इस मामले की हर एंगल से जांच हो रही थी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस गिरफ्तारी से जुड़ी? जी देखिए, भारतीय एजेंसियों के रडार पर जो जसविंदर मुल्तानी है वो पिछले काफी सालों से रहा है, और जब ये लुधियाना ब्लास्ट हुआ उसके बाद इंडियन एजेंसी ने बकायदा जो फेडरल एजेंसी है जर्मनी पुलिस उससे कांटेक्ट किया है। उसके बाद रॉ के अधिकारी जर्मनी गए हैं और जिसके बाद जो जसविंदर मुल्तानी है उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। तो एक बड़ा कैच इसे जरूर कह सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों पंजाब में जो लगातार ड्रोन के जरिए आईईडी डिलीवर्ड हो रही थी पंजाब में, उसमें कई डिलीवरी जो जसविंदर मुल्तानी है उसने कराई थी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्लानिंग, सबसे बड़ी साजिश रची थी जसविंदर मुल्तानी ने, वो रची थी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल थे उनकी हत्या की साजिश रची थी मुल्तानी ने। और हत्या का मकसद ये था कि सिंघू बॉर्डर पर काफी बवाल हो, लेकिन हत्या की साजिश को अंजाम दिया जाता उसके पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र से जीवन सिंह नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया था। उसने पूछताछ में ये खुलासा किया था कि जर्मनी में बैठा आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का जो जसविंदर मुल्तानी है उसी ने बकायदा जो बलवीर सिंह राजेवार है उनकी हत्या की प्लानिंग की थी और पूरा डायरेक्शन उसी ने दिया था। तो एक बड़ी कामयाबी से जरूर कह सकते हैं। एक तो लुधियाना ब्लास्ट जिसपे लगातार पंजाब पुलिस जांच कर रही थी, उस मामले में जो जसविंदर मुल्तानी है उसको जर्मनी से अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ लगातार जो पंजाब में पंजाब को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही थी उसमें एक अहम रोल जसविंदर मुल्तानी का था, क्योंकि लगातार आपको याद होगा कि लगातार आईडी पंजाब में डिलीवर्ड हो रही थी। उसके अलावा कई लोग अरेस्ट भी हो रहे थे पंजाब में टारगेट किलिंग के आरोप में। उन सब के पीछे लगातार हम देख रहे हैं कई दिनों से मामले इंसर्जेंसी के पंजाब में देखने को मिल रहे थे, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी इंटरनेशनल कनेक्शन को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, और हो सकता है कि इस गिरफ्तारी के बाद वो इंटरनेशनल कनेक्शन भी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां डीकोड कर सके। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर पंजाब के डीजीपी की बात करें तो बकायदा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपको याद होगा उन्होंने बकायदा इंटरनेशनल लिंक का भी जिक्र किया था, उसके अलावा प्रो खालिस्तानी ग्रुप का भी जिक्र किया था। जो गुरुपंतवंत सिंह पन्नू है जो सिख फॉर जस्टिस का जो चीफ है, जिसका करीबी है जसविंदर मुल्तानी, तो लगातार गुरुपंतवंत सिंह पन्नू वो लगातार एक्टिव रहता है और एंटी इंडिया बातें करता है, लगातार वीडियो भी जारी करता है 15 अगस्त को दिल्ली में और 26 जनवरी को दिल्ली में झंडे फहराने, इस तरह के तमाम। और बकायदा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में दिल्ली में एक नहीं एक से कई ज्यादा केसेस सिख फॉर जस्टिस के अलावा गुरुपंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी है, और ये सभी वो आरोपी हैं जो देश के बाहर मौजूद है, और शायद यही वजह है कि इन सिख फॉर जस्टिस की जांच के लिए खुद एनआईए की टीम कनाडा गई थी। तो एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि भारत से बाहर रहने पर इनको एक एडवांटेज मिलता था, लेकिन अब एक सीधा सीधा मैसेज उन लोगों को है, उन आतंकियों को है भारत के खिलाफ जो एक तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं भारत के बाहर बैठकर, उनको एक सीधा सीधा मैसेज है कि जो इंडियन एजेंसी है अब वो आपको भारत के बाहर भी आपके ऊपर शिकंजा कर सकती है। पहले ही पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है और चुनाव से पहले इस तरह से पंजाब में अशांति फैलाने की जो साजिशें हो रही हैं उस लिहाज से, उस कड़ी में ये गिरफ्तारी बहुत अहम। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अब हम आपको उस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको अगली खबर दिखाएं, ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और माना जा रहा है कि गुरुपतवंत सिंह के ये बहुत करीब है, क्योंकि जिस तरह से लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ उसके बाद जांच एजेंसियां हर एंगल से इसको
परत दर परत सुलझाने की कोशिश कर रही थी और एक बात जो सामने आ रही थी वो थी इंटरनेशनल कनेक्शन की, और ये गिरफ्तारी उस लिहाज से बहुत अहम। उम्मीद की जा सकती है कि इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ, जांच एजेंसियों के हाथ अहम सबूत लग सकते हैं। यूपी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। सबसे बड़ा आयोजन कानपुर में होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे रूट को शुरू करेंगे। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह हरदोई और भदोही में रैली करेंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ और बदायूं में रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव में विजय यात्रा निकालेंगे। इन तमाम गतिविधियों के बीच सबसे बड़ा आकर्षण होगा कानपुर मेट्रो का शुभारंभ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब कानपुर मेट्रो। यूपी पर तोहफों की बारिश हो रही है, शहर शहर कायाकल्प हो रहा है। आज बारी यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक महानगर कानपुर की है। लखनऊ के बाद कानपुर को आज मिलने जा रही है मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। तैयारियां पूरी हैं। मेट्रो स्टेशन को सजाया और संवारा गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी आज कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे पहले सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। पहले चरण में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच मेट्रो रेल दौड़ेगी। कल यानी 29 दिसंबर से 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेनें कानपुर में इस रूट पर रफ्तार भरेंगी। शुरुआत में हर स्टेशन पर 10 मिनट के अंतराल में ट्रेनें मिलेंगी। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे ये समय कम होता जाएगा। आईआईटी से मोती झील तक का किराया 30 रुपए होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा। खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के टिकट QR कोड वाले होंगे। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो में बैठकर आईआईटी से गीतानगर तक का सफर भी करेंगे। इससे पहले मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत के समय भी सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो का सफर किया था। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और इससे पहले पीएम मोदी लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। 23 दिसंबर को पीएम ने वाराणसी में 870 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। 21 दिसंबर को प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। 18 दिसंबर को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन। 25 नवंबर को नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। 16 नवंबर को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये कुछ बड़े काम हैं जो 2 महीने के भीतर यूपी में हुए हैं। पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से, यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा। यूपी में हो रहे बदलाव की कड़ी में आज कानपुर मेट्रो भी जुड़ जाएगा। ट्रैफिक जाम से जूझने वाले कानपुर के लोग अब कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए। समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तोहफों की बौछार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में होंगे, और किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं, ये सब जानने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा का रुख कर लेते हैं। कानपुर में ही इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? कानपुर को आज एक बड़ा तोहफा पीएम मोदी देने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कानपुर मेट्रो का आज उद्घाटन होना है। 9 किलोमीटर की 9 स्टेशन वाली मेट्रो है। शुरुआत में 6 मेट्रो चलेंगी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार यूपी में बीजेपी सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रही है।
गाजियाबाद नोएडा लखनऊ मेट्रो के बाद ये चौथा प्रोजेक्ट होने वाला है और ऐसे में लगता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट के जरिए कहीं ना कहीं उस विकास के दावे को दोहराया जाएगा। इतना ही नहीं, बीना पनकी की एक जो पाइपलाइन परियोजना है उसका भी आज उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री लगातार यूपी को सौगातें दे रहे हैं और इसी की दिशा में कानपुर का मेट्रो का आज प्रोजेक्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस तरीके का माहौल है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है बाकायदा पुलिस की तैनाती है। ये निराला नगर रेलवे ग्राउंड है जहां पर प्रधानमंत्री को दोपहर 1:30 बजे आना है। इसके पहले वो आईटी के दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे और उसके बाद में वो मेट्रो की एक राइड लेंगे आईआईटी से गीता नगर तक। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां आएंगे। पूरी तैयारियों को कर लिया गया है और खासतौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मल्लिका, क्योंकि यूपी में ना सिर्फ विकास के दावे हो रहे हैं बल्कि लगातार विपक्ष भी हावी है। अखिलेश यादव बार बार बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हैं। आज भी उम्मीद है कि मेट्रो के उद्घाटन के बाद उनका बयान जरूर आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ यूपी में मौजूद हैं, एक के बाद एक परियोजनाएं दे रहे हैं और इसी दिशा में कानपुर मेट्रो की सौगात एक बड़ी सौगात है जिसमें यूपी में आज इसकी सौगात होगी। यकीन है अनाज तो यूपी में बीजेपी की स्टार पावर देखने को मिलेगी। अभिषेक शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यूपी की एक और खबर की बात कर लेते हैं। यूपी चुनाव पर कोविड का साया मंडरा रहा है। आज से चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों के यूपी दौरे पर है। आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ साथ डीएम और नोडल अफसरों से मीटिंग करेगी। इससे पहले कल दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक हुई थी। शादी में कितने मेहमान आएंगे ये सरकार बताती है। सांस्कृतिक आयोजनों में कितने लोग आए ये सरकार तय करती है। सिनेमा हॉल से लेकर होटल तक लोगों की लिमिट पर सरकार की कैंची चलती है। लेकिन एक चुनावी रैली है जिस पर किसी महामारी का असर नहीं, लेकिन ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच इन रैलियों ने चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आयोग के सामने सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी सवाल पर विचार करने चुनाव आयोग की टीम आज यूपी के दौरे पर भी जा रही है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में आज से 30 दिसंबर तक रहेगी। आज शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद कल यानी 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आयोग खुद उत्तर प्रदेश जाएगा अगले हफ्ते और वहां पे जाकर मुआयना करेगा कि स्थिति किस तरीके से है। देखिए, कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बट बाकी और कई जगहों पे भी बढ़ रहे हैं। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन कराए थे क्योंकि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट हैं। उसके सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया, बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले कल चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में काफी देर तक माथापच्ची होती रही और फिर बात अगली बैठक तक टल गई। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते ओमिक्रोन संक्रमण की वजह से चुनाव टालने का सुझाव दिया था और इसी सुझाव पर चुनाव आयोग उन राज्यों की स्वास्थ्य रिपोर्ट लेना चाहता है जहां चुनाव होने हैं। तीसरी लहर का चुनाव से इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है क्योंकि लहर तो पूरी देश में आ रही है और इलेक्शन 5 स्टेट में होने हैं, तो ये जरूर है कि जहां पे भी लार्ज गैदरिंग होंगी वहां पे प्रॉब्लम का बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस बनाई थी पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनसे कंसल्ट करके उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई थी, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो सके। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना ये दो अलग अलग बातें हैं। देश में विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा चुनाव होना आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही मौके आए हैं जब पूरे चुनाव को ही टालना पड़ा हो। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए थे। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई चरणों में चुनाव हुए थे।
अगर कोरोना को देखते हुए चुनाव को लंबे वक्त के लिए टाला गया तो पांचों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार में 6 महीने के लिए शासन लगाने का प्रावधान है, उसके बाद इसे एक बार बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली से श्रेया चटर्जी और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन की एंट्री से चुनाव पर सस्पेंस बना हुआ है। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। समर्थ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव के बाद यकीनन ऐसी मांग उठ रही है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अगर चुनाव को टाल दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार मामले हम देख ही रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई है। देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा दिन पर दिन बढ़ रहा है और चुनाव टाला जाएगा या वर्चुअल रैलीज होंगी इस पर ही एक कॉल लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये यूपी का 3 दिवसीय दौरा है। आज बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, शाम 4 बजे जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ एक अहम बैठक लखनऊ में होनी है, जिसमें हर विपक्षी दल का एक एक नेता आएगा और अपनी बात कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से साझा करेगा। तो वहीं इलेक्शन कमीशन एक तरीका निकालेगा कि क्या चुनाव बढ़ाया जाएगा या रैलीज की भीड़ पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि कोविड का खतरा बढ़ रहा है दिन पर दिन हर राज्य में, ठीक वैसे ही यूपी में भी केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये बैठकें अहम है। तो वहीं कल डीएम और एसपी के साथ एक अहम बैठक है और 30 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से करी जाएगी, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 दिन की स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन कमीशन 2 दिन का समय लेगा और 30 तारीख को एक डिसीजन पर पहुंचेगा कि क्या चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे या रैलीज को वर्चुअल किया जाएगा, क्योंकि दो ही तरीके हैं। चुनाव एकदम दहलीज पर है, फरवरी मार्च में चुनाव होकर खत्म भी होना है अगर आप और नॉर्मल डेट्स की बात करेंगे जो अनाउंस कुछ दिन में कर दी जाएंगी। तो देखना यह है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेगा, या तो चुनाव आगे बढ़ाना या फिर रैलीज पर रोक लगाना और वर्चुअल माध्यम से अपने अपने पार्टी कैंपेनिंग होगी। तो इसी पर कॉल लेने के लिए 2 अहम बैठकें आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो दिन भर माथापच्ची करेगा, जगह जगह जाएगा और लोगों से बातचीत करेगा, एक्सपर्ट से बात करेगा, खतरा कितना है, केसेस कितने आ रहे हैं, उसको काबू करने के लिए क्या क्या चीजें की है, क्योंकि पहले भी अन्य राज्यों में, क्योंकि जिस तरह से रैलियों में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है, वो भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की। जल्द से जल्द काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कल हड़ताली डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सरोजनी नगर पुलिस ने डॉक्टरों को रोक दिया। कुछ डॉक्टर हिरासत में भी ले लिए गए। जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो बहरूपिया वायरस के खिलाफ जंग में ये अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे, और आज जब ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर का खतरा पैदा हुआ है तो ये सड़कों पर अपनी मांग के लिए नारेबाजी करने को मजबूर हैं। कोविड से जंग में ये दिल्ली के फ्रंटलाइन वर्कर हैं, यानी रेजिडेंट डॉक्टर। अपनी मांगों को लेकर 11 दिनों से हड़ताल पर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने कल शाम सफदरजंग अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के बाद हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों का काफिला स्वास्थ्य मंत्री के आवास की तरफ कूच करने लगा, लेकिन बीच में सरोजनी नगर की पुलिस दीवार की तरह खड़ी हो गई। स्वास्थ्य मंत्री के घर की तरफ बढ़ते हड़ताली डॉक्टरों को रोक लिया गया, जो नहीं रुकना चाह रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोग जख्मी हो गए। और हम गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस से बस अपील करना चाहेंगे कि काइंडली दोनों ही मैटर को काफी सीरियसली देखें, क्योंकि ये हमारी एक किसी सिंगल डॉक्टर की डिमांड नहीं, ये हमारी पूरी फ्रेटर्निटी की डिमांड है। सरोजनी नगर पुलिस की सख्ती के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर वहीं प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टरों की मांग है कि उनके साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। सबके लिए 2 महीने बाद जो आने वाला सिचुएशन है उसमें बदतर होने वाली है हालात, तो ये हमारे अपने लिए नहीं था, हमने देश के लिए मांगा था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के हाथ तोड़ दो। औरतों पर और कितने अत्याचार हुए आज आपको दिखाई देगा, अगर आप वीडियो खोल के देखो, मेल पुलिस और फीमेल डॉक्टर्स को मार रहे थे।
ये कहाँ से सही है? अगर देश में डॉक्टरों के साथ ऐसा होगा तो कोई भी आगे डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा इस देश में, नेता बनना चाहेगा, डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। इससे पहले कल दिन में हड़ताली डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया। अभी तक हमारी कोई बात नहीं, बीच में हमने कई बार कॉल ऑफ कर दिया, एश्योरेंस दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक कुछ भी ग्राउंड रियलिटी दिखी नहीं है, ग्राउंड पे कुछ भी बात नहीं हुआ। डॉक्टरों का काफिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाता इससे पहले रास्ते में ही पुलिस ने बैरिकेड कर डॉक्टरों को आगे जाने से रोक दिया। हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। हम लोग यहीं पे जितना हो सके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर डिमांडिंग ओनली फॉर आवर पेशेंट्स, नॉट फॉर अस। हमारी कोई डिमांड नहीं कि सैलरी बढ़ाओ या हमारे वर्क आवर्स कम करो। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो लोग डॉक्टर्स पास होके बैठे हैं घर पे, उन्हें आप बुलाइए, उनको ट्रेनिंग देंगे। थर्ड वेव पे आते साथ ही आप उनको ड्यूटी पे नहीं लगा सकते हो। दे आर ये स्टिल यंग किड्स। जब तक हमारी बात मांगी नहीं जाएगी तब तक तो हम विरोध तो करेंगे ही। मार्च कहाँ तक था? हमने सुप्रीम कोर्ट तक का मार्च रखा था। पिछले 10-11 दिन से हम अपने निर्माण भवन के सामने साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हमारी बात सुनी नहीं गई। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि सरकार तो सुन नहीं रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंटरवीन कीजिए और हमारी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराइए। इस बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने कोविड और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA की अगुवाई में चल रही है। फोडा का कहना है कि हर साल PG के लिए जनवरी में इम्तिहान होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। कोविड की वजह से इस साल परीक्षा जनवरी की जगह सितंबर में हुई। नतीजा आने के बावजूद अब तक काउंसलिंग की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है। करीब 45,000 से 47,000 MBBS डॉक्टर PG करने के इंतजार में हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और 6 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। काफी समय से रुका हुआ है, 8-10 महीने हो गए। पहले एग्जाम पोस्टपोन हुआ, एग्जाम हुआ तो काउंसलिंग पोस्टपोन हो गई। इसका मतलब वर्क फोर्स नहीं आई तो रुकी हुई है। कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन यह तस्वीर बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सुशांत मेहरा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, इस नारे के साथ लगातार 6 दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे कोविड वॉरियर्स के साथ इस तरह का बर्ताव क्या सही है, ये एक अहम सवाल। और इस बीच एक बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित हो गए हैं सौरव गांगुली, यह अहम खबर मिल रही है। सौरव गांगुली कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। गांगुली की कोविड रिपोर्ट कल रात आई है। राहुल रावत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, और क्या अपडेट मिल रहा है, सौरव गांगुली कोरोना संक्रमित हो गए? जी मलिका, ये बात अभी कुछ देर पहले पता लगी। अब वहाँ फोन किए गए तो जैसे आपने कहा, हमें पता लगा कि देर रात कल सौरव गांगुली की रिपोर्ट आई थी और अब वो पॉजिटिव है। और फिलहाल इतनी कोई घबराने की बात है नहीं, बट जिस हिसाब से कोविड फैल रहा है एक चिंता की बात होती है कि क्योंकि मिलना मिलाना भी बहुत हो रहा है। पर सौरव गांगुली फिलहाल इतनी खबर है कि कोविड पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और ये है कि दादा अभी फिलहाल क्वारंटीन और आइसोलेशन में है। कहाँ पर राहुल वो आइसोलेशन में है और क्या उनके सिम्टम्स के बारे में भी कोई आपके पास जानकारी, किस तरह के सिम्टम्स उनको देखने को मिल रहे हैं? जी, सिम्टम्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और उन्होंने एक प्रिकॉशनरी तौर पर टेस्ट करवाया था जिसके बाद रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो घर पर ही है और कलकत्ता में, और इतना कोई उनका इतनी घबराने की बात नहीं है। पर फिर भी क्योंकि कोविड की जैसे जैसे भारत में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और देश भर में, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, उस लिहाज से एक प्रिकॉशनरी तौर पर क्योंकि
पब्लिक लाइफ में रहते हैं सौरभ गांगुली, तो प्रिकॉशनरी तौर पर एक उन्होंने टेस्ट करवाया जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, पर वो कह रहे हैं इतना कोई घबराने की बात नहीं है।